विधायक ने पति के साथ थामा आपका दामन। सीएम केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दो दिन पहले दिया था बीजेपी से इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा से बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा और उनके पति रिटायर आईपीएस रघुवीर सिंह मीणा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। गुरुवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता मीणा को पार्टी की सदस्य दिलाई और उन्हें गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली के विधायक बीएस जून भी मौजूद रहे। बता दें कि ममता मीणा ने दो दिन पहले ही बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। दरअसल बीजेपी ने चांचौड़ा विधानसभा सीट से प्रियंका मीणा को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक ममता को पसंद नहीं आया और टिकट के विरोध में खड़ी हो गयी। साथ ही उन्होंने पार्टी के हर फोरम पर प्रत्याशी को लेकर पुनर्विचार करने को कहा है, लेकिन जब उन्हें लगा कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और संगठन में तवज्जो नहीं मिल रही, जिसके चलते उन्होंने 19 सितंबर को भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रदेश भाजपा महामंत्री भगवान दास सपनानी को पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया। इधर सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि ममता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। गुरुवार शाम उन्होंने पति रघुवीर मीणा के साथ दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली और चर्चाओं पर विराम लगा दिया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ममता मीणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाने की कोशिश करूंगी। ममता मीणा करीब 18 सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 13,000 वोटों से जीता था। ममता मीणा गुना की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। 2013 में ममता मीणा ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और करीब 34,000 वोटों से जीत दर्ज की। 2022 में ममता मीणा ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीता। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।